अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू गाइस। ये पार्टी मुझे जा रही है, ये वाली पार्टी मुझे जा रही है छोड़ने के लिए। कैसा आप लोग फील कर रहे हैं? तुमने मास्क पहन लिया पूरा, तुमने प्रोटोकॉल दिया मुझे। वेरी नाइस, वेरी गुड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये छोटी सी पंकिन मेरे साथ जा रहा है और ये स्वीट हार्ट भी मुझे छोड़ने जा रही हैं। चलो, हम लोग फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं, एयरपोर्ट आ चुके हैं। ये मैं खाली, मेरा बच्चा किधर है? और मेरा बच्चा किधर? बच्चा उधर है। कोई बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं टू द डिपार्चर एरिया। Six and a half hours later. Guys, सामान मेरा हो चुका है सारा क्लियर, और एक हैंड कैरी वगैरह हम नहीं बुक कराएंगे, तो इट्स ओके। अब इसको और इसको संभालना है, और इस छोटू को संभालना है। एंड टू मच रश है, मेरे सारे बंदे ही जा रहे हैं लगता है, जो कि पता नहीं किधर जा रहे हैं, लेकिन टू मच रश है। बट साइन अंकल की वजह से बहुत हेल्प हुई है, इन्होंने बहुत हेल्प की है, और इसमें बस थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट ही रहे तो बेहतर है, अदरवाइज आई विल बी इन ट्रबल। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कराई थी एयरपोर्ट लाहौर का टूर, अब मैं आपको कराऊंगी वीआईपी लाउंज का टूर। ओह माय गॉड, वाओ। सो टुडे वी आर इन द वीआईपी लाउंज, लेट्स सी व्हाट्स इन द मेन्यू। दिस इज व्हाट आई एम हैविंग फॉर माय ब्रेकफास्ट एंड इज माय स्लीपिंग, सो आई कैन हैव इट ऑल इन पीस। तो मैं जल्दी से खाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 12 seconds late. अभी तक सिर्फ यही शीशा मिला है जिसमें मैं जो हूँ ना अपना OOTD कर सकती हूँ। So this was all about Lahore. So goodbye Lahore. अब हम निकल रहे हैं क्योंकि boarding start हो गई है. So we are just going. A few inches later. तो boarding start हो गई है guys, और काफ़ी लंबी line है, और अभी हम जो है ना वो सबसे पहले जाएंगे इस्तांबुल, और इसमें अभी तक तो बहुत काम है, अल्लाह करे आगे भी काम रहे। क्योंकि अल्लाह, हम बैठ चुके हैं और बोर्डिंग भी कंप्लीट हो गई है, और इसमें अभी तक ये सीट मिली है, आई होप कि उसको मिली रहे। बाकी अभी मैं उससे लेग स्पेस की बात करूँगी, बिकॉज वी हैव पेड फॉर इट। सो अभी सारे बैठते हैं, देन आई टॉक टू देम। बाकी जो है वो अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुँचाए इंशाल्लाह ताला, और पता नहीं कब तक सारे लोग बैठेंगे। मैं इतनी देर से बैठी हूँ, और इसमें सारी गाइडलाइंस पढ़ी जा रही है, क्योंकि शी इज़ द वन जो कि इंटेलिजेंट है, नॉट मी। सो गाइस, फाइनली मुझे किसी एयरलाइन का खाना पसंद आया, सो इट्स गुड। अभी इसमें आराम से सो गई थी अपने बैसनेट पे, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लेग स्पेस मिल गई थी, और सामने बैसनेट से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट हुआ। इसमें इज वेकी वेकी, बाल खड़े हो गए इसमें के सारे। इतना देखो, इसमत नॉट गिविंग एनी लिफ्ट। इसमा जी, ओ लो खड़ी हो गई है, चलो जी। मैडम एक जगह बैठ बैठ के बोर हो गई है, मुझे और कुछ जगह नहीं मिली, मैं इसको वॉशरूम में ले आई हूँ, और ये इतनी एक्साइटेड हो गई है वॉशरूम को देख के। इसमें इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है बेटा, कह रही है मुझे बिठा दो, मुझे यहाँ से लेके ही ना जाओ। हाँ चलो, जब तक टाइम पास होता है तब तक कर लेते हैं। वी हैव एंटर्ड इस्तांबुल एयरपोर्ट अभी अभी, और मुझे बहुत बैड फील हुआ है क्योंकि ये चूचू ना बहुत क्रैंकी हुआ है। सो लेट्स गो। ये हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हुई हुई है, बट स्टिल मैंने कहा छोटा सा मुझे बोला भी नहीं जा रहा। इसमें ने मुझे इतना तंग किया, मुझे इतना तंग किया, और देखिए इसमें को अभी भी खांसी है, तबीयत इसमें की अभी भी ख़राब है। सो अभी मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरी विद इन 1 आवर नेक्स्ट फ्लाइट है। सो लेट्स सी। यहाँ कैसे छूटी है, ऐसे खुली है ना, क्योंकि पिछले 7 घंटों से बेचारी बैठी थी एक जगह पर, तो अब इसमें भाग रही है, मैं भी साथ साथ भाग ही रही हूँ,
ऑफ कोर्स इस्मा उस बच्चे के पीछे ना जाना, प्लीज फॉर गॉड सेक इस्मा। चलो ये लो, यहाँ पे मैं कैसे संभालूँ सिचुएशन। इस्मा जी इधर वापस, बेबीज के पीछे नहीं जाना। पता मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पहले मेरा एक बोर्डिंग पास को मैं, और अब इस्मा का शूज़ कहीं गिर गया। मुझे इस्मा इधर आ जाएंगी 2 मिनट, पता नहीं इसका शूज़ किधर गिर गया, अब आई डोंट नो। इधर आओ, मैं जा रही हूँ, बाय बाय इस्मा। ओह माय गॉड इट्स टू हार्ड मैन, मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग आधा ख़राब हो गया। इस्मा इधर आएंगी ज़रा, आप जल्दी जल्दी, शूज़ किधर फेंके आपने, क्या मेरा एक बार तो सुन हो चुका है। इधर हाथ दो, गिव मी योर हैंड, आ जाओ, शूज़ ढूंढ के आए। शूज़ किधर है इस्मा का, रोना आ रहा। ओह माय गॉड। तो गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, मेरे बोर्डिंग पास घूमने के बाद, इस्मा का शूज़ घूमने के बाद, बोर्डिंग पास न्यू बनवाने के बाद, हम बैठ चुके हैं दोबारा से प्लेन में स्वीडन जाने के लिए। थैंक यू टू इस्मा जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। एनीवेज बच्चे के साथ ट्रैवल करो तो यही सब कुछ होता है, कोई मसला नहीं है। द थिंग इज़ हम जा रहे हैं स्वीडन फाइनली टू आवर होम, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा। सो यस माय हस्बैंड वी आर कमिंग। तो मुझे पहचान ही नहीं रही आके। इस्मा जी आप आ गई मेरे बाबा के पास, अभी तक बाबा से मिले नहीं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, बट अभी लाइन है। ओके इस्मा बता रही है कि मैं आ गई हूँ। गाइस मुबारक हो सबको, देखने वालों को, प्यार करने वालों को, हम पहुँच गए हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ कि मुझे प्रैम नहीं मिल रही इस्मा की, और इस्मा कॉन्टिन्यू से जाके खड़ी है कि मैं उसको कुछ लेके दूंगी। नहीं लेके दूंगी मैं आपको अभी कुछ भी, कोई हेल्प नहीं है यार यहाँ पे। लिटरली मैं इतनी देर से अपनी प्रैम ढूंढ रही हूँ, मुझे प्रैम नहीं मिल रही। इस्मा कैन यू प्लीज़ कोऑपरेट विद मी फॉर अ वाइल। इधर आए इस्मा जी, चले आए प्रैम ढूंढते पहले। ये देखो वॉयलेंस, अब आपने लाइव वॉयलेंस देख लिया गाइस। 12:00 PM चलो जी यार, वाह वेरी नाइस इस्मा, अब प्लीज मेहनत चेक करें। वेलकम की वेलकम मिला नहीं कहीं से, तो इस तरह की कोई चीज लेके ना, तो उससे ये वेलकम लिखा है मेरे शोहर ने, माशाल्लाह। सब कुछ छोड़ने, मेहनत करनी चाहिए इंसान को। जो लिखे बलून्स भी लाए थे, लेकिन वो क्या हुआ जी, उनका पटाखा बच गया, लेकिन कोई बात नहीं। और ये सारा गंद भी जो कि मैंने ही साफ़ करना है, मेरे लिए ही गंद नहीं, उन्होंने तो अपनी तरह से सेलिब्रेट किया ना, लेकिन ये सारा इंशाल्लाह भी मैं करूँगी साफ़। अभी नहीं करूँगी, अभी मैं सोऊँगी। तो गाइस मिलती हूँ मैं आपको कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग डे था। बाकी फिर इस्मा को मैंने सुला दिया है अंदर, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।